कहते हैं कि वो कोई निंदा हो, ऑलमोस्ट कि वो मानो गाली दे रहे हो कि ये बिहारी। इन सारे लोगों को साथी कन्हैया कुमार से मिलना चाहिए, क्योंकि जो कन्हैया कुमार से एक बार मिले वो समझ जाएगा कि बिहारी शब्द गर्व का प्रतीक है, बिहारी शब्द मेहनत, लगन, चेष्टा, दृढ़ निश्चय, ईमानदारी, एक बेहतर कल का संकल्प, सामाजिक न्याय की चाह और सच्चे देश प्रेम का प्रतीक है। कन्हैया इस देश का, बिहार का, बेगूसराय का एक सामान्य सा बेटा है, एक सामान्य से परिवार में पैदा हुआ बेगूसराय का पुत्र, इस देश के हर युवक या युवती की तरह अच्छी शिक्षा की खोज में दिल्ली गया। भारत के सबसे प्रतिभाशाली महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और पीएचडी की, आप सब जानते हैं ये। कन्हैया भारत के किसी भी आम जमीनी परिवार का बेटा या बेटी हो सकता था, कन्हैया आपके घर का बेटा या बेटी हो सकता था। अच्छी शिक्षा, एक बेहतर कल, भारत के हर नौजवान और नव युवती का सपना है, है कि नहीं, है कि नहीं? तो केंद्र में बैठे सत्ताधारियों ने इस सपने का क्या किया? उन्हें एक आंख नहीं सुहाया कि इस देश का एक जमीनी सामान्य बेटा पढ़ लिख कर कुछ कर जाएगा, पीएचडी कर लेगा, क्योंकि सत्ताधारी यही चाहते हैं कि इस देश के नौजवान कम पढ़े, कम शिक्षित रहे, ताकि अपनी शाखाओं में ये उन्हें लाठी बांधना सिखाएं, फिर सड़कों पर गुंडाई करना सिखाएं। कन्हैया पर झूठा आरोप लगाकर, उसे देशद्रोही बताकर, उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद किया। कोर्ट में पेशी के वक्त नफरती चिंटुओं ने इन सब की यही औकात है, ये नफरती चिंटू हैं, ये महज नफरती चिंटू हैं। इन्होंने कन्हैया पर हमला किया, डराया धमकाया कि किसी तरह से कन्हैया भाग जाए। पर दोस्तों, सत्य जो होता है, सत्य की तासीर होती है उभर कर आने की। सत्य घास की तरह होता है, आप उसे कितना भी गहरा गाड़ दें, सत्य घास की तरह उगता है, और उगते उगते उभरते उभरते ये सत्य आज साथी कन्हैया कुमार की आवाज बनकर इस देश के हित में सवाल पूछ रहा है। सत्य आज कन्हैया कुमार का आजादी का नारा बनकर, देश के युवकों की पुकार बनकर गूंज रहा है। सत्य आज कन्हैया कुमार के रूप में बेगूसराय से लोकसभा प्रत्याशी बनकर आपके सामने खड़ा है। जिन सत्ताधारियों ने कन्हैया पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया, अपने चापलूसों, नफरती चिंतों और बिकी हुई गोदी मीडिया द्वारा कन्हैया का चरित्र हनन किया, उन्होंने कन्हैया पर नहीं बेगूसराय पर आरोप लगाया है। और हिम्मत देखिए उनकी, हिम्मत देखिए कि वही लोग जो कन्हैया पर और बेगूसराय पर आरोप लगा रहे थे, वो इस लोकसभा में अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। हम उनको यही बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने बेगूसराय की मिट्टी को समझा ही नहीं। इस मिट्टी ने रामधारी सिंह दिनकर को जन्म दिया है, इस मिट्टी ने रामधारी सिंह दिनकर जैसे महाकवि की कलम में देश प्रेम को सींचा है। बेगूसराय की मिट्टी देशद्रोही नहीं पैदा करती, बेगूसराय की मिट्टी क्रांतिकारी पैदा करती है। कन्हैया जैसा क्रांतिकारी हिंसा और झूठ सहकर अपनी जन्मभूमि में वापस लौट कर आया है बेगूसराय की मिट्टी का ऋण चुकाने। बेगूसराय की आवाज बनकर कन्हैया नेता नहीं, कन्हैया बेगूसराय का बेटा है। कन्हैया बेगूसराय का बेटा है, बिहार का बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा है। आज पूरा देश
बेगूसराय की तरफ देख रहा है। मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में बेगूसराय की बात चल रही है। आज सुबह मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली में बेगूसराय की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि बेगूसराय में कन्हैया आपका लोकसभा प्रत्याशी है। कन्हैया प्रतीक है उम्मीद की, एक बेहतर कल की। कन्हैया प्रतीक है उन आदर्शों की जिनके दम पर इस देश की नींव रखी गई थी, इस गणतंत्र की नींव रखी गई थी। कन्हैया प्रतीक है देश के संविधान की, वो संविधान जिसने इस देश की गरीब मेहनत कर जनता के हाथ में इस देश का भविष्य बदलने की ताकत दी है, वोट की ताकत दी है। और आप सबको देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि बेगूसराय की जनता बेगूसराय की मिट्टी के साथ न्याय करेगी। बेगूसराय की जनता इस बार नेता नहीं बेटा चुनेगी। आप सब, मुझे पूरा विश्वास है कन्हैया की आवाज दिल्ली में संसद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कन्हैया की आवाज बेगूसराय की आवाज है, कन्हैया की आवाज बिहार की आवाज है। और जाहिर सी बात है कि अगर बिहार की आवाज है तो पूरे हिंदुस्तान की आवाज है।